जिद पड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे राइट। अगर इसके नीचे दो इक्वल टू लगा दें तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ग्रेंसी बन जाती है। लेकिन सिर्फ अगर टेढ़ा एस बना हुआ है तो यानी वो क्या है, सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनका शेप तो सेम होगा पर साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट। जिनका साइज डिफरेंट होता है, शेप सेम होती है, वो कौन सी फिगर होती है, सिमिलर फिगर्स। यानी दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होंगी, दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे, चाहे रेडियस कुछ भी हो, पर दो सर्कल क्या होंगे, हमेशा सिमिलर। दो स्क्वायर सिमिलर होंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे एंगल कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे और दो ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। चाहे साइज कुछ भी हो पर शेप क्या रहनी चाहिए, सेम। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप और साइज दोनों क्या रहने चाहिए, सेम, दैट इज सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, अगर आपको दो ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर दे रखे हैं तो आपको पता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, जिस तरीके से एंगल आ रहे हैं उसी तरीके से आपके इक्वल होंगे। जैसे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो यानी कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। ठीक, और साइड का रेशो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, यानी कि ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। कब होगा ये, जब दो ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे, या तो दे रखा होगा या प्रूव करना होगा। दो ट्राइंगल सिमिलर तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल। द फर्स्ट थ्योरम इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीपीटी स्टैंड फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप क्वेश्चन में बाय पीपीटी, अगर आप क्वेश्चन में बाय पीपीटी लिखते हैं या फिर आप थ्योरम लिखते हैं तो एक ही बात है, या तो आप बीपीटी लिखते हैं या थ्योरम लिखते हैं। बीपीटी की फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है आपसे कि सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। अगर एक कोई लाइन है जो ट्राइंगल की एक साइड के क्या है, पैरेलल है, यानी डीई किसके पैरेलल दे रखा है, बीसी के। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो यानी थ्योरम लगाने के लिए कंडीशन हो गई कि लाइन क्या होनी जरूरी है, पैरेलल होनी जरूरी है, यानी डीई किसके पैरेलल होनी जरूरी है, बीसी के। तो साइड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई अपॉन ईसी के। AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के। आपको चार में से कोई भी तीन साइड दे रखी होंगी और आप रेशो लगा के फोर साइड निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप इस थ्योरम को ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो। ऐसे कैसे यूज करेंगे, सपोज AD दे रखा है, AB दे रखा है, AE दे रखा है, आपको AC निकालना है, तो क्या लगाएंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। या फिर आपको किसी क्वेश्चन में ये बड़ी साइड दे रखी है और नीचे वाली दे रखी है, बड़ी साइड दे रखी है और नीचे वाली दे रखी है, तो क्या लगाओगे, ए बी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन ई सी। आप थ्योरम को तीनों तरीके से लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में कौन सी साइड दे रखी है। क्या बोलते हैं इसे, थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। नाउ थ्योरम नंबर टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं इसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अच्छा, बीपीटी में क्या होता है, आपको लाइन पैरेलल गिवन होती है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा,
साइड का रेशियो इक्वल होगा तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की किसी दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, तो लाइन आपसे पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के। क्या मतलब है इसका, यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एडी अपॉन डीबी किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी के। अगर एडी अपॉन डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के, तो डीई किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। याद हो जाएगी सबको, अगर ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, अगर ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे आपस में, डी किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के। बोलो समझ में आता सबको यहाँ तक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रू और फॉल्स में, गैस रेशियो मीटर में क्या आ सकता है कि सारी कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं, पर सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। सारी कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं, पर सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। क्यों, जब शेप तो सेम होगी, साइज डिफरेंट होगा, जब साइज डिफरेंट होगा तो कॉन्ग्रेंट तो वो होंगी ही नहीं। अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो कुछ सिमिलैरिटी के ऊपर करने हैं, वो सिमिलैरिटी कौन कौन सी है, जैसे एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, दो ट्राइंगल हैं, दोनों की साइड आपस में क्या है, इक्वल, तीनों साइड इक्वल है तीनों साइड के, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे किससे, एस 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 से। अब बात करते हैं एस ए एस की, ये क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के उसके बीच के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एस ए एस से। एंगल एंगल, यानी अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल एंगल। अब आपको वैसे ही पता है कि अगर दो एंगल आपके इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा। आर एच एस, वॉट इज आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दो ट्राइंगल के अगर 90 डिग्री के राइट एंगल हैं और उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे किससे, आर एच एस से। व्हाट इज ए ए एस, ये एंगल एंगल साइड, ये बहुत सारे स्कूल में पढ़ा भी देते हैं नहीं भी पढ़ाते, एंगल एंगल साइड यानी दो एंगल और एक साइड, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और साइड के इक्वलेंट हैं, इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे किससे, एंगल एंगल साइड से। तो आप इन छह सिमिलैरिटी से किसी को भी एक को यूज करके दो ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं आपको ये और बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके कट हो गए इस बार, अगर कोई आपसे कहता है तो बोल देना कि तो कट हो चुके। नंबर वन एरिया रेशियो थ्योरम हमें नहीं पढ़नी है, पिछले साल तक बहुत इंपॉर्टेंट होती थी एरिया रेशियो थ्योरम, ये कट चुकी है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तीसरा आपका एरिया रेशियो थ्योरम कट चुकी है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी कट चुकी है, और बाइसेक्टर थ्योरम, ये आपके तीन थ्योरम कट हो चुकी हैं, यानी सिलेबस बहुत इजी हो गया है हमारे ट्राइंगल्स का। ट्राइंगल में सिर्फ आपके बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और साथ में सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा ट्राइंगल में आपका कुछ नहीं आएगा, तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो आपके सिलेबस से कट चुकी है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर ट्राइंगल्स, मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, स्टे ट्यून्ड जिज्ञासा क्लासेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, गुड लक।